दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। आतिशी 21 सितंबर यानी कि शनिवार को सीएम पद की शपथ लेंगी। अब शपथ ग्रहण समारोह तो शनिवार को होने वाला है, लेकिन उनकी कैबिनेट को लेकर पहले से ही जानकारी सामने आ गई है। इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल क्या करने वाले हैं, यह भी सामने आ गया है। अगर 21 सितंबर को आतिशी सीएम पद की शपथ लेंगी तो अगले ही दिन केजरीवाल भी जनता की अदालत को संबोधित करने वाले हैं। इसे उनकी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दिल्ली की नामित मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत नया चेहरा होंगे। पार्टी ने दलित चेहरे के रूप में मुकेश अहलावत को नए चेहरे के तौर पर पेश किया है। अहलावत सुल्तानपुर माजरा से विधायक हैं। वह 2020 में इस सीट से पहली बार जीते और सदन पहुंचे। 12वीं तक की पढ़ाई करने वाले विधायक पेशे से व्यापारी रहे हैं। अहलावत को राजस्थान सब प्रभारी का जिम्मा पार्टी ने दिया है। अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो उन्होंने लगातार एक एक मोहल्ले में जाकर सभाएं की और जनता के बीच केजरीवाल का संदेश पहुंचाया। अहलावत को सामाजिक न्याय विभाग का जिम्मा मिल सकता है। मुकेश अहलावत को दलित कोटे से कैबिनेट में शामिल करने की बात आई है। उनके जरिए आतिशी सीधे सीधे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को साधना चाहती हैं। पहले तो इस रेस में कोटली से विधायक कुलदीप कुमार का नाम भी चल रहा था, लेकिन समीकरण के लिहाज से अहलावत ने बाजी मार ली। अब समझने वाली बात यह है कि दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट इलाका दलित बाहुल्य माना जाता है। विधानसभा की 10 सीटें यहां से निकलती हैं, जहां पर 3 तो दलित समाज के लिए आरक्षित हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 10 में से 9 सीटों पर आपने जीत दर्ज की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिहाज से उसे झटका लगा। वो 10 में से सिर्फ 1 सीट पर लीड करती दिखी। इसी वजह से अब दलितों को साधने के लिए अहलावत का कार्ड खेला जा रहा है। ऐसा कि सबसे पहले मैं केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मैं उनके विश्वास पर पूरे कोशिश करूँगा खरा उतरूँ और जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में जितने भी लोग हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने का प्रयास करूँगा। देखो, मैं पहले भी आम आदमी था, आज भी आम आदमी हूँ। मंत्री और ये तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि मैं अरविंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे मंत्री बनाया। और अरविंद जी ने इस्तीफा दिया, उसका थोड़ा बहुत हम लोगों को दुख भी है, क्योंकि एक ऐसे ईमानदार आदमी को भ्रष्टाचार में ज़बरदस्ती डाला गया है, झूठा आरोप डाल के, तो उन्होंने इसी दुख के कारण से इस्तीफा दिया अपना। और अब हम लोग केजरीवाल जी के लिए खड़े हैं और केजरीवाल जी को ही अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे और उसी के लिए हम गली गली दिल्ली में जहाँ जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे और केजरीवाल जी को उनके लिए वोट मांगेंगे, क्योंकि केजरीवाल जी ने ईमानदारी से काम किया है और पब्लिक के बीच में जाएंगे। केजरीवाल जी ने भी बोला है कि मैं ईमानदार हूँ तो मेरा साथ देना, तो आपके बार हम पब्लिक के बीच में जाएंगे और सारी की सारी बातें बताएंगे। आतिशी जी बहुत टैलेंटेड हैं, उनको जो डिपार्टमेंट दिया था वो डिपार्टमेंट उन्होंने बड़ी दिल से काम किया उनका, और अब मुझे आतिशी जी के साथ मौका मिला तो मैं आतिशी जी को भी उनको जो जैसा बोलेंगे वैसा हम काम करेंगे। दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री समेत 7 सदस्य हैं। नए मुख्यमंत्री और नए सदस्यों का कार्यकाल संक्षिप्त होगा, क्योंकि अगले साल फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल के 7वें सदस्य के नाम की घोषणा होना अभी बाकी है। वैसे आतिशी के नए कैबिनेट की खास बात यह है कि यहां पर एक नया चेहरा जरूर रखा गया है, लेकिन केजरीवाल की कोर टीम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन को फिर कैबिनेट में जगह मिली है। यह बताने के लिए काफी है कि टीम नई है, लेकिन चेहरे कई पुराने शामिल किए गए हैं। वैसे यह मायने रखता है, क्योंकि आतिशी को पहले ही बता दिया गया है कि वे सिर्फ विधानसभा चुनाव तक के लिए ही मुख्यमंत्री बनाई गई हैं।